अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मूंग की भुनी हुई दाल की रेसिपी। इसके लिए हमने ले ली है अपने पास एक कढ़ाई। कढ़ाई में हम डालेंगे 1.5 चम्मच ऑयल, ठीक है। हमने इसमें डाल दिया है 1.5 चम्मच ऑयल। हमने जो है वो लहसुन कुचल के रख लिया था अपने पास। लहसुन को हम इसमें कुचल के छिलके समेत डालेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो छिले हुए लहसुन का जो टेस्ट है ना वो छिलकों के साथ ही आता है दाल में। तो आपको भी यही मशवरा दूंगी कि छिलके समेत डालिएगा आप इस दाल में। अब हम इसको लहसुन को जो है वो बहुत अच्छे से भूनेंगे ऑयल में जी। तो हमारा लहसुन जो है बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं टमाटर, नमक और हल्दी, ठीक है। अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे टमाटरों के साथ जी। तो हमारे टमाटर जो हैं बहुत अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपनी दाल जो हमने मूंग की दाल भिगो कर रखी हुई, सही है। आप मूंग की दाल को जब ज़्यादा देर भिगोएंगे ना, क्योंकि भीगती ज़्यादा है वरना फिर ये गलने में वास्ता करती है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा देर भिगोएंगे तो उसमें पानी जो है वो हाथ खींच के डालेंगे, वरना फिर ये जो है ना बहुत ज़्यादा जो है वो गली हुई हो जाएगी, फिर वो टेस्ट नहीं आएगा जो भुनी हुई में आता है, ठीक है। जी तो अब हम दाल को जो है दम पे रख रहे हैं, जब तक हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, ठीक है, थोड़ा सा हरा धनिया और एक दो हरी मिर्चें। हरी मिर्चें और ये चला गया हमारा हरा धनिया। अब हम इसको ढक देंगे, ठीक है। जी तो अब हम दाल को चेक कर रहे हैं, ठीक है। हमारी दाल जो है वो डन हो चुकी है, ठीक है। अपने आलू के रायते की तैयारी करते हैं। इसके लिए हमने ज़ीरा, साबुत लाल मिर्च और कड़ी पत्ता, इसका हम देंगे इसमें बघार, ठीक है। तो हम इसको रख देते हैं साइड पर। हमने ज़ीरा और धनिया भूनकर कूट कर रखा हुआ था और इसके साथ ही हमने जो है वो पुदीना कटिंग कर लिया था बारीक बारीक, ठीक है। और ये हमने लिए है प्याज, इसको हमने चॉप करके रख लिया था, सही है। अब हम जो है वो अपनी दही को बीट करेंगे। पहले इसके अंदर हम डालेंगे नमक और चीनी, ठीक है, उसके बाद हम इसको अच्छे से जी। तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी और नमक डाल सकते हैं, ठीक है। और ये डल गया हमारा इसमें नमक, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से जो है वो मिलाएंगे ताकि हमारी चीनी जो है वो बहुत अच्छे से इसमें हल हो जाए हमारी दही में, ठीक है। और अब हम हाथ के हाथ इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा दूध, ठीक है। ज़्यादा नहीं, तकरीबन हमने कोई हाफ कप के करीब इसमें दूध शामिल कर लिया है, ठीक है। अब हमारी चीनी अच्छे से हल हो चुकी है, हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपनी कटिंग हुई भी प्याज, ज़ीरा और धनिया भूनकर कूटकर जो रखा हुआ था वो, और पुदीना, ये भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। ये है हमारा आलू का रायता, और आलू के बगैर जो है ये अधूरा है, तो हमने इसमें आलू भी जो है वो शामिल कर दिया, ठीक है। अब हम इसमें, ये आलू का रायता तैयार हो चुका है, अब हम इसमें बघार देंगे। तो अब हम करेंगे आलू के रायते में बघार। इसके लिए हमने ले लिया है फ्राइंग पैन, हमने ले लिया है ऑयल,
ऑयल को करेंगे हम थोड़ा सा गुनगुना गरम, और फिर उसके बाद हम इसमें ज़ीरा, कड़ी पत्ता और साबुत लाल मिर्चें जो हमने रखी हुई थी बघार के लिए, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हम ये बघार होता है उसके बाद हम दही में ये बघार करके आपको दाल का और रायते का फाइनल लुक दिखाएंगे। जी तो ये है हमारी दाल और आलू के रायते की फाइनल लुक। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। ट्राई, रेसिपी कैसी लगी पेज को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।